हेलो एवरीवन, आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें केस है आपका हॉरिजॉन्टल्स, जो आपका टैंक है ये सब्जेक्टेड टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ विथ एंड डेप्थ ऑफ द टैंक आर 6 मीटर, 2.5 मीटर एंड 2 मीटर। है ना, इसका मतलब लेंथ आपका 6 मीटर है, वेथ आपका 2.5 मीटर है, डेप्थ 2 मीटर है। इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक, ये तो टैंक की डेप्थ है, वो वाटर की डेप्थ दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, टैंक इज ओपन एट द टॉप, कैलकुलेट द एंगल वुड बी एंगल ऑफ वाटर सर्विस टू द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम। अब देखो, सबसे पहले आप ये समझिए, इसमें ये टैंक है। ठीक है, इस टैंक के अंदर यदि आप देखेंगे तो इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको इसमें दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, और टैंक की जो टोटल डेप्थ है, वो टोटल डेप्थ दी हुई है आपको कितना, टोटल डेप्थ आपको दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, और इस टैंक की विथ होगी, इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी, तो वो दिखेगी नहीं, वो 2.5 मीटर दी है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सीलेट किया आपने, यहाँ से एक्सीलेट किया, तो जब एक्सीलेट करेंगे तो क्या होगा, इस टैंक का वाटर का लेवल, ये मैंने बताया हुआ है पिछले जो लेक्चर्स में, कि ये इसका लेवल इस तरफ ऊपर चला जाएगा और इस तरफ इसका लेवल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ, ये सेंटर्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक तरफ लेवल ऊपर चला गया, ये ऊपर लेवल चला गया और इधर लेवल नीचे चला जाएगा, ये सेंटर सेंटर से। ठीक है, अब आप देखो इसमें इनिशियली जो डेप्थ थी वो डेप्थ है इसका कितना, 1 मीटर। ठीक है, डेप्थ कितना है, 1 मीटर है। ओके, आपको एक्सीलेशन दिया हुआ है, एक्सीलेशन कितना दिया हुआ है, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए इक्वल्स दिया आपको 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलेशन हो गया। अब एक्सीलेशन के बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है ये एंगल। ठीक है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, मैं आपको इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये एंगल कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, ए अपॉन जी, ये फार्मूला मैंने कराया जब डेरिवेशन करवाया है, तो टेन थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, एक्सीलेशन कितना ये है 2.4, जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.81, तो ये कितना आ गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको, जस्ट मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया आपका टेन थीटा इक्वल्स 0.2446। ठीक है, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे थीटा निकाल लो, तो शिफ्ट टेन इनवर्स और आंसर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 13.74 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल आ गया। फर्स्ट केस में क्या पूछा, यही पूछा है आपको, एंगल फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल से। अब आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ऑब्वियसली, इधर ज़्यादा है, और मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो आपको प्रेशर इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पता हुआ है, प्रेशर इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरह से, P1 इसको, अब यहाँ पे बेसिकली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रो जी एच, है ना, रो डेंसिटी, जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट होती है उस लिक्विड की। तो यहाँ पे आपको ये वाली हाइट नहीं मालूम है और यहाँ पे ये वाली हाइट नहीं मालूम है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जब आप निकालोगे तो रो जी एच वन ये हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो H2 ये हो जाएगा। हम मान लेते हैं P1 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है, तो सबसे पहले हम H1 कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, H1 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चाहिए, 1 प्लस ये वाली हाइट, मैं इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ये O है, और इसको A बी नाम दे देते हैं, और इधर इसको नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। अब ये 6 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे सेंटर पे कट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 3 मीटर डिस्टेंस होगी। ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस होगी, और ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू 13.74 आया है, तो यहाँ पर अब आप वो निकाल लीजिए टेन थीटा। ठीक है, इस केस में यदि आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ,
तो टेन थीटा इक्वल्स ए बी अपॉन ए ओ, ये आपको समझ में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें यदि आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 0.2446, तो 0.2446 इक्वल्स ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं दी है आपको, ए ओ की वैल्यू दी है, ए ओ की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से ए बी निकल आएगा, तो ए बी इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2446। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2446, तो ये वैल्यू आ गई 0.7338, तो ए बी इक्वल्स आ गया 0.7338 और मीटर। ठीक है, ये ए बी आ गया, लेकिन आपको एच वन निकालना है ना, क्योंकि प्रेशर मान लेते हैं इधर पी वन है इधर पी टू है, तो एच वन रोजी एच वन, तो एच वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 हो गया प्लस ये वाला ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 0.7338, तो एच वन इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.7338 और मीटर। ठीक है, ये एच वन आ गया। अब भाई यहाँ पे जितना लेवल ऊपर बढ़ रहा होगा उतने लेवल यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, उतने लेवल यहाँ पे क्या आ रहा होगा नीचे आ रहा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 1 माइनस ये वाली डिस्टेंस सी डी, और ए बी और सी डी आपके क्या होंगे बराबर होंगे। तो आपका एच टू निकालें हम, एच टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बी, क्या मैं बोलूँ सी डी, ये पूरा 1, 1 में से ये सी डी माइनस होगा, तो 0.7338 आ गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, ओके 1 माइनस इसमें 0.7338 पहले से लिखा हुआ है, तो ये आ गया एच टू की वैल्यू 0.2662। ठीक है, तो आपके पास एच वन और एच टू दोनों आ गए, ठीक है, एच वन और एच टू दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या निकाल लेते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या, रो जी एच, तो पी वन है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर, इक्वल्स क्या आ जाएगा रो जी एच वन, रो जी तो वही रहेंगे क्योंकि वाटर है, तो पी वन इक्वल्स आ जाएगा रो की वैल्यू, वाटर की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू 9.81 और एच वन कितना है 1.7338। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं पी वन, तो भाई हो गया ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 1.7338, ये वैल्यू आ गई 1700 8.578 न्यूटन। ठीक है, ये पी वन आ गया आपका। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे पी टू, तो पी टू क्या होगा मिनिमम प्रेशर है ना, मैक्सिमम मिनिमम आपको समझ में आता है, जहाँ ज़्यादा डेप्थ होगी वहाँ मैक्सिमम प्रेशर, जहाँ सबसे कम डेप्थ होगी वहाँ मिनिमम प्रेशर, तो ये रो जी एच टू, तो पी टू इक्वल्स रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81 और एच टू, एच टू की वैल्यू ये 0.2662, तो लिख लेते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 0.2662। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई पी टू की 2611.4। हाँ, इस प्रेशर क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, प्रेशर निकलना है, और क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रेशर, टोटल प्रेशर ड्यू टू वाटर एक्टिंग ऑन ईच एंड ऑफ द टैंक। तीसरी चीज, इसमें छोटा सा करेक्शन ये है, ये टोटल प्रेशर नहीं है, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स पूछा क्वेश्चन, तो हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं भाई, फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना, फोर्स हमने बहुत सारे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बाई सी। ठीक है, डब्ल्यू ए बाई सी होता है, जिसमें डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बाई सी को रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले एफ वन निकाल लेते हैं, एफ वन मतलब मैक्सिमम वाला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, तो अब इसमें देखो डब्ल्यू का मतलब रो इंटू जी,
ए और बाई सी। तो एफ वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81। अब मल्टीप्लाई एरिया, अब एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया है ना, इसमें विथ परपेंडिकुलर है, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एक तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है अभी हमने निकाला है 1.7338, ये वाली डिस्टेंस और इसकी जो विथ होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो एरिया हो जाएगा आपका 1.7338 मल्टीप्लाइड बाई विथ है ना चौड़ाई। तो विथ यहाँ पे दिया हुआ है, विथ कितना दिया हुआ है आपका, विथ दिया हुआ है इसमें 2.5 है ना, विथ कितना दिया है 2.5, तो इंटू 2.5 हो गया। अब बाई सी, तो बाई सी क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है यहाँ पे इतना, इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस, ठीक है, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, जब ये पूरा 1.7338 है तो इसका सेंट्रोइड हाफ हो जाएगा, नहीं हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या हो गया, इंटू 1.7338, ठीक है, बेसिकली हम क्या निकालना है, इस फेज पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद हम इस पे निकालेंगे। तो 1.7338 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, तो 1.7338 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 868.95 न्यूटन, ठीक है। अब यदि आपको नेट फोर्स निकालना है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका वो डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स एफ कितना हो जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू, ठीक है, तो ये एफ इक्वल्स आ जाएगा 3686861। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको वैल्यू निकाली, ये आपको थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये देखोगे ये F2 है ना, ये W, ये वाला W हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.2662 और विथ इसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो विथ कितनी है 2.5, तो ये एरिया हो गया। अब बाई सी कितना हो जाएगा, इस पर बाई सी, तो ये इस डिस्टेंस का हाफ, मतलब इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, तो ये डिस्टेंस कितना है 0.2662, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट कर चुके हैं, हम ऑलरेडी एफ वन आ गया, हमारा ये एफ टू भी आ गया है जो भी बताया, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो ये, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ, 3686.1.8 -868.95, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू आ गई आपकी 3599.285 न्यूटन। देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, फोर्स डायरेक्ट, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो हम एक बार डायरेक्ट भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल्स क्या होता है, एम ए होता है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास क्या होगा, रो इनटू वी इनटू ए, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो गया, ये एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल, अब इसकी डेंसिटी क्या है 1000, अब इसका वॉल्यूम निकालें, तो ये वॉल्यूम तो इनिशियली जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम होगा सेम, तो इसमें क्या है, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया डेप्थ और ये हाइट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल 6 × 1 × 2.5 मतलब इसके ऊपर वाला जो विथ है, और एक्सेलेशन आपको दिया है, एक्सेलेशन हमने फाइंड, एक्सेलेशन दिया हुआ है, एक्सेलेशन कितना है 2.4 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो एफ इक्वल्स आ जाएगा, निकाल लेते हैं इसको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 × 1 × 2.5 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 से, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2.4 से, तो ये आपका एफ आ गया 36,000 न्यूटन आ गया। अब आप देखो ये वैल्यू और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, ये मोर और लेस सेम है, ठीक है, और सेम आना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को हमने प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है
उसके थ्रू निकाला और एक को हमने डायरेक्टली निकाला है, तो हमने कंपेयर करके भी यहाँ पे देख लिया।